विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखो इसमें, किसी दिए गए पृष्ठ से, किसी दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या संख्या को हम विद्युत फ्लक्स फ्लक्स से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी पृष्ठ से जितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। तो गणितीय रूप से अपन बात करें अगर, कि ये तो फिजिकली अपन ने बात करी कि किसको अपन विद्युत फ्लक्स कहते हैं, मैथमेटिकली यानी कि गणितीय रूप से मान लो कि ये कोई पृष्ठ है, ठीक है। सपोज करो कि ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है ना। इस पृष्ठ पे अपने को एक छोटा सा क्षेत्रफल लेना है, मान लो कि ये छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए सदिश, ठीक है। इस छोटे से क्षेत्रफल को मैंने बोला डी ए सदिश, और डी ए सदिश की जो दिशा होती है, उस सदिश की दिशा होती है तल के लंबवत। मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पे, डी ए सदिश की दिशा तल के लंबवत होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया है इस सतह पे, ये कोई सतह है, काल्पनिक सतह मैंने बनाई या वास्तविक सतह भी हो सकती है। इस सतह पे यानी ये पृष्ठ है, मतलब एक एक चादर है, एक फिल्म है। यहाँ पे मैंने एक डीए सदिश लिया, मान लेते हैं कि इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सपोज करो इस तरफ है, इस तरफ मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इस इंस्टेंट पे, इस जगह पे विद्युत क्षेत्र ई है, इन दोनों के मध्य अगर कोण थीटा है, तो गणितीय रूप से जो फाई होता है, मतलब विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से निरूपित करते हैं, तो इस छोटे से क्षेत्रफल से जो छोटा सा फ्लक्स होता है डी फाई, वो होता है विद्युत क्षेत्र सदिश ई डॉट क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो तल के लंबवत होती है, डी ए की दिशा, डी ए की दिशा तल के लंबवत ली जाती है, डी ए की दिशा तल के लंबवत ली जाती है। लिख लेना इस बात को, ठीक है। तो डी फाई जो परिभाषित है, जो फ्लक्स परिभाषित है, उस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या गुजरने वाला फ्लक्स, वो होता है E डॉट dA, ठीक है। इस E डॉट dA को अगर मान लो मैं इंटीग्रेट करूं, मान लो पूरी सतह के लिए मैं फ्लक्स निकालूं, तो मुझे इसका समाकलन करना होगा, समाकलन E डॉट dA, डॉट प्रोडक्ट है, तो E dA cos थीटा अपन लिख ही देंगे, इतना तुम समझते होंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। E डॉट dA इसको अगर मैं लिखूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E dA cos थीटा, E dA cos थीटा, ठीक है, E dA cos थीटा, इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। फ्लक्स है अदिश राशि, मात्रक इसका बनावें अगर, तो जो इसका मात्रक बनेगा, मात्रक इसका बन जाएगा अपने पास विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम,
इंटू क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर इसका बन जाएगा। और इस वोल्ट इंटू मीटर को गॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉस। गॉस सुना कभी नाम? गॉस। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम आगे पढ़ेंगे। तो इसको गॉस कहा जाता है। ठीक है, इसका जो मात्रक है उसको अपन वोल्ट मीटर को क्या कहते हैं? गॉस, मतलब फ्लक्स का मात्रक गॉस है। ठीक है, यानी कि एक वोल्ट और एक मीटर अगर मैं यहाँ पे ले लूंगा तो एक गॉस ही बन जाएगा। मतलब एक यूनिट का विद्युत क्षेत्र ले लें और एक यूनिट का जो है अपन अगर क्षेत्रफल ले लें तो जो फ्लक्स बनेगा वो एक गॉस बन जाएगा। सीधी सी बात इतनी सी है। ठीक है, तो अपने को याद क्या रखना है? बंद पृष्ठ के लिए डीए की दिशा बाहर की ओर धनात्मक ली जाती है। जैसे मान लो गोला है, ठीक है, तो गोले में त्रिज्यीय बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लो कोई स्फीयर है, ठीक है, ये गोला है, पूरा डिस्क नहीं है, ये गोला है। तो यहाँ पे मान लो ये सतह बन रही है, तो सतह के लंबवत यानी कि ये वाली जो दिशा है, क्योंकि लंबवत तो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, तो बाहर वाले को सामान्यतया, जरूरी नहीं है कि मतलब बाहर ही ली जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है, पर सामान्यतया इसको बाहर वाले को ही धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, और इससे अपन बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो उस हिसाब से धनात्मक या ऋणात्मक डिसाइड हो जाएगा ई की दिशा के आधार पे। जैसे ई भी बाहर है, डी भी बाहर है, ई भी बाहर है, डी ए भी बाहर है, तो ई डॉट डी ए पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। अगर मान लो ई की दिशा अंदर की तरफ है, डीए की दिशा बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से सेट हो जाएगी चीज। तो अपन इसको क्या एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि डीए को, बाहर वाले डीए को अपन पॉजिटिव मान लो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड अपना रेफरेंस फ्रेम है और यहाँ पे एक नियत विद्युत क्षेत्र है अपने पास ई बराबर ई नॉट और उसकी दिशा है के कैप, मतलब बाहर की तरफ वो विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे अपन एक काल्पनिक पृष्ठ बना रहे हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ है जो कि वर्गाकार है। ठीक है, क्या है ये? वर्गाकार मतलब ये जो बिंदु है वो एल कोमा जीरो है और ये जो बिंदु है वो जीरो कोमा एल है। ठीक है, प्रश्न लिखो कि काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो, या वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो, फाई बताना है। इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा? यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाओ। तो देखो गोला लगा के डॉट लगा दो, तो मतलब वो क्या बताता है? गोला लगा के डॉट मतलब डायरेक्शन बाहर। क्रॉस क्या बताता है? गोला लगा के क्रॉस मतलब डायरेक्शन अंदर। तो डायरेक्शन बाहर है, देखो। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, इस तरह से। अच्छा, क्षेत्रफल सदिश वो भी जेड दिशा में है, क्योंकि एक्स वाई में तल है। तल किस तल में है? मतलब जो अपना पृष्ठ है वो किस तल में है? वो एक्स वाई तल में है। तो जो डीए सदिश होगा वो किस दिशा में होगा? डीए सदिश की दिशा किधर होगी बताओ? के कैप दिशा में। सोच के देखो, सोचो तुम्हारे सामने कोई दीवार है, तुम जिस कमरे में बैठे हो उसमें कोई भी दीवार अज्यूम करो, तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उसके तल के लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश किधर लिया जाता है? तल के लंबवत लिया जाता है। क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत लिया जाता है। सपोज करो तुम्हारे सामने कोई दीवार है, सपोज करो ये दीवार है, तो विद्युत बल रेखाएं किस तरफ आ रही है? बाहर निकल के आ रही है, लंबवत निकल के आ रही है, तल के लंबवत है। विद्युत बल रेखाएं इस तल के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है, और डीए सदिश वो भी तल के लंबवत है, यानी कि ई और डीए समांतर है। क्या मैं ये बात समझ सकता हूँ? ई और डीए समांतर है, ई तथा डीए समांतर है ना? बात समझ पा रहे हैं? इतनी सी छोटी सी बात है। ई और डीए अगर समांतर है, बस हो गया काम अपना। फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई डॉट डीए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। अब ई तो कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ई बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या हो जाएगा? ई डॉट डीए में ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा,
तो कोस थीटा तो जीरो हो गया अपने पास, मतलब थीटा जीरो हो गया, कोस थीटा वन हो गया, ई इंटू एल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? किसी को डाउट हो तो पूछो। मैंने क्या प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रश्न अभी भी वही है, बस मैं कर क्या रहा हूं, मैं अब जो विद्युत क्षेत्र है, एक मिनट एक मिनट, मेरे को प्रश्न बोल लेने दो, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो परिमाण तो उतना ही है, पर उसकी दिशा है वो अब आई कैप में है। दिशा किस तरफ है? अब आई कैप में। अब देखो फ्लक्स की, देखो तल तो वही है, विद्युत क्षेत्र चेंज हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा अब किस तरफ है? एक्स अक्ष की ओर, यानी कि इस तरह से। देखो क्या ये बल रेखाएं इस तल को क्रॉस करके निकलेगी, आर पार होगी क्या? आर पार होना जरूरी है तभी फ्लक्स आएगा, आर पार होना जरूरी है तभी फ्लक्स आएगा। पिछले केस में तल और बल रेखाएं दोनों लंबवत थे, इसलिए पूरा आर पार हो रहा था, इसलिए थीटा जीरो था ना वहां पे। डीए की दिशा के कैप थी, अभी भी डीए की दिशा तो के कैप है, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स में है और विद्युत ये क्या बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा के कैप में है, तो दोनों लंबवत हो गए, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे दिख भी रहा है साफ साफ कि क्या बोलते हैं इसको, बल रेखाएं जो है वो इसको क्रॉस करके नहीं जा रही, क्रॉस करके नहीं जा रही, यानी कि फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे जीरो, क्योंकि कॉस थीटा कितना है यहाँ पे, कॉस थीटा जीरो है, क्योंकि थीटा कितना है 90 डिग्री। फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई, फाई हो जाएगा यहाँ पे जीरो। कारण समझ में आया? फाई समझ में आया, जीरो क्यों हुआ? अगला प्रश्न करें, मैं वापिस से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। ये एक चकती है यहाँ पे, ठीक है, डिस्क है, इसकी त्रिज्या आर मान लो, ये जो डिस्क है इसकी त्रिज्या मान लो आर है, ये चकती का केंद्र, और चकती तल के लंबवत पड़ी हुई है, ठीक है, ये इसकी अक्ष मैंने बनाई है। यहाँ पे एक खोखला अर्ध गोला है, ये जो खोखला अर्ध गोला है उसकी भी त्रिज्या आर है, और उसका केंद्र जो ये है वो चकती के केंद्र के ही मतलब क्या बोलते हैं उसी के समान, मतलब उसी की लाइन में है, ये गोले का केंद्र है, यहाँ पे इस जगह पे गोले का केंद्र है, ठीक है, ये गोले की वलय है, मतलब गोले की रिम, रिम को जो भी बोलते हैं, और ये उसका वक्र पृष्ठ पीछे की तरफ, पीछे की तरफ उसका वक्र पृष्ठ है, ये वाला, ये उसका वक्र पृष्ठ है, ठीक है, मतलब ये इधर से खोखला है इस तरफ से, ये समझ लो कि कटोरे का ढक्कन है ये डिस्क, डिस्क तो क्या होगी, कटोरे का ढक्कन। अब यहाँ पे मैं विद्युत क्षेत्र मेरे को मान लो कुछ दे रखा है, ठीक है, और ये क्या है, ये इस चकती की अक्ष के समांतर है। प्रश्न मेरा ये है कि यदि यदि चकती से गुजरने वाला फ्लक्स फाई हो, यदि चकती से गुजरने वाला फ्लक्स फाई हो, तो गोले के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। यदि चकती से गुजरने वाला फ्लक्स, यदि चकती से, बिल्कुल उतना ही होगा, यदि चकती से गुजरने वाला फ्लक्स वाला फ्लक्स फाई हो, कंप्यूटर स्लो हो रहा है, फ्लक्स फाई हो तो गोले के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। चलो जिन लोगों का आंसर आ गया है ठीक है, और जिनका नहीं आया है वो सोचो, हो तो गोले के वक्र पृष्ठ, तुम लिख लो पूरा, गोले के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। सामने से जब मैं बनाऊंगा तो मुझे चकती कैसी नजर आएगी, चकती मुझे नजर आएगी ऐसे, ये चकती है, ठीक है, और अर्धगोला कैसे नजर आएगा, अर्धगोला नजर आएगा मुझे ऐसे, क्रॉस सेक्शन अगर मैं उसका बनाऊं तो, ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, तो जितनी बल रेखाएं इस चकती से पास हो रही है उतनी ही बल रेखाएं तो मुझे गोले से पास होती हुई दिखेगी, अगर विद्युत क्षेत्र कॉन्स्टेंट है तो। देखो इवन अगर मान लो कि ये अगर गोला न होता, मान लो कोई टेढ़ी मेढ़ी सतह भी होती, गोला नहीं है मान लो,
टेढ़ी मेढ़ी सतह, मान लो इस तरह से है कुछ, ठीक है, तो भी फ्लक्स उतना ही आता। क्यों आता? तो भी फ्लक्स उतना ही क्योंकि गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या तो वही है ना। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो बताओ? जैसे मान लो तीन बल रेखाएं गुजरी। हाँ बोल बेटा बोल। तो मान लो कि यहां पे मेरे पास एक बंद गोला है, ठीक है, बंद गोले से मतलब है कि पूर्ण गोला, संपूर्ण गोला, बंद पृष्ठ है ये, पूरा कंप्लीट बंद है ये, ठीक है। अब मान लो कि मैंने कुछ विद्युत क्षेत्र बनाया, अब जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट हो, मान लो कि मैंने एक विद्युत क्षेत्र बनाया इस तरह से, ये कोई विद्युत क्षेत्र आया, ठीक है, इस तरह से दो तीन और बना देते हैं, एक दो लाइनें और, थोड़ा टेढ़ा चला गया, बिगड़ गया यार डायग्राम, चार पांच, इस तरह से मान लो मैंने ये पांच बल रेखाएं बनाई। मैंने पूछा कि कुल फ्लक्स कितना होगा इस गोले से, कुल फ्लक्स मैं पूछ रहा हूं तुम्हें, गोले से कुल फ्लक्स, फ्लक्स तो गोले से जो कुल फ्लक्स होगा वो हो जाएगा जीरो। कारण उसका ये है कि जितनी बल रेखाएं अंदर गई है उतनी ही बल रेखाएं वापस बाहर आ गई है, जितनी बल रेखाएं अंदर गई उतनी ही बल रेखाएं वापस बाहर आ गई। वो बात अलग है कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, वो एक अलग बात है, पर जितना अंदर एंटर हो रहा है, क्योंकि जो बल रेखा अंदर चली गई, ऐसा थोड़ी हो बीच में हवा में ही खत्म हो जाएगी बल रेखा, तो जितनी बल रेखा अंदर गई उतनी ही बल रेखा वापस बाहर आ गई। यहां से देखो ये वाली रेखा, देखो ये अंदर गई बाहर आ गई, अंदर गई बाहर आ गई। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी बंद पृष्ठ में अंदर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या तथा बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या अगर समान हो तो उस बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स जीरो होता है। इस बात को लिख भी सकते हो तुम, एक्स और वाई यहां पे मीटर में है, एक वर्ग यहां पे बनाया जा रहा है, देखना ये वर्ग है, ये वर्ग, ओके, ये वर्ग, ये बिंदु 2.2 है, 2.2, ये जो वर्ग है वो एक्स वाई तल में है, यानी कि जो पृष्ठ में बना रहा हूं ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ एक्स वाई तल में है, ठीक है, 0.0, 2.0, 2.2, 0.2, ये एक बंद, बंद नहीं मतलब एक चपटा, एक तल है, समतल, कोई बंद पृष्ठ नहीं है, मतलब कोई वॉल्यूम कवर नहीं कर रहा है ना, कोई आयतन नहीं है इसका, है ना, आयतन अगर होता तो बात अलग होती। अब एक विद्युत क्षेत्र मुझे यहां पे दे रखा है E बराबर 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5 k कैप न्यूटन प्रति कुलाम, ठीक है। प्रश्न है वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो, फ्लक्स, एक मिनट रुक जाओ, फ्लक्स ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र के तीन घटक हैं यहां पे, कौन कौन से? एक तो है एक्स घटक, तो ये 3 i कैप वाला जो घटक है वो तो इसी के समांतर है, ये तो आर पार करेगा ही नहीं इसको। 2 j कैप वाला जो है वो भी इसी के समांतर है, तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक काम आएगा? जो तल के लंबवत है, इसीलिए अपन वो ई कॉस थीटा करते हैं, जो ई डॉट डी ए करा था ना, डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया? इसीलिए लिया अपन ने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन सा घटक काम आ रहा है? जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में, यानी कि जो 5 वाला है, क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे के कैप दिशा में है, और विद्युत क्षेत्र का घटक के कैप दिशा में कितना है? 5, तो फ्लक्स हो जाएगा, नियत भी है, कांस्टेंट है, सबसे बड़ी बात ये है, कांस्टेंट है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा, बताओ, 5
फ्लक्स ई डॉट डी ए, एरिया कितना है कॉन्स्टेंट है, डायरेक्ट लिख दो डी ए को, चार लिख दो, कितना आ गया 20 यूनिट, 20 गॉस। बात समझ में आई? किसी को ना समझ में आई हो तो बताओ। एक्स अक्ष है मेरे पास, वाई अक्ष है मेरे पास, अगला प्रश्न मैं बता रहा हूं। एक्स अक्ष है एल कोमा जीरो, जीरो कोमा एल, सारी डायमेंशन यहां पे दे रखी है, ये एक वर्ग है ना, तो भुजाओं की लंबाई मिल गई अपने को। चलो अब यहां पे इस क्षेत्र में, ये जो एक्स वाई जेड जो क्षेत्र है, यहां पे एक विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है कि ई इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट कोई कांस्टेंट, वन प्लस एक्स बाई एल, ठीक है, वन प्लस एक्स बाई एल। डायरेक्शन के कैप, ई इक्वल टू ई नॉट वन प्लस एक्स बाई एल, डायरेक्शन है इसकी के कैप, ठीक है। वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, और ये जो ई की, ई का जो मान है, दिशा तो उसकी के कैप है पर उसका जो परिमाण है वो एक्स के साथ बदल रहा है, y के साथ नहीं बदल रहा है, z के साथ नहीं बदल रहा है, e का मान x के साथ बदल रहा है, x दिशा नहीं है, x ये कोऑर्डिनेट है, यानी कि जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा x का परिमाण मतलब e का परिमाण बढ़ेगा, पर उसकी दिशा किस तरफ है, k कैप दिशा में है। वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो दे रखा है कि E का जो मान है वो X के साथ बदल रहा है, पर दिशा है उसकी अंदर की, मतलब अंदर की तरफ से मतलब है कि बाहर की तरफ। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं X दूरी पर जाके एक dx मोटाई की पट्टी ले लूं, देखो ये एक पट्टी ले लेते हैं अपन यहां पे, ये पट्टी छोटी सी पट्टी, जरा सी ये पट्टी ले ली, बहुत पतली पट्टी है dx मोटाई की। क्या इस dx मोटाई की पट्टी में विद्युत क्षेत्र एक जैसा है? देखो इस पूरी पट्टी के लिए x एक समान है, तो मैं बोल सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो इस छोटी सी पट्टी से जो विद्युत फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हो जाएगा, देखो दिशा किस तरफ है, दिशा किस तरफ है, परपेंडिकुलर है ना, देखो के कैप में है ना, हाँ 3/2 आएगा बिल्कुल। तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो ई बाहर की तरफ, डीए भी बाहर की तरफ, तो कॉस थीटा वन हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ई नॉट वन प्लस एक्स बाई एल, वन प्लस एक्स बाई एल डीए इंटीग्रेशन, ठीक है। अब डीए को कन्वर्ट करो, ई नॉट कांस्टेंट है, बाहर पटक दो इसको, वन प्लस एक्स बाई एल, वन प्लस एक्स बाई एल, और डीए का मान कितना हो जाएगा, देखो इस पट्टी की लंबाई एल, चौड़ाई डीए, LDX, ठीक है। ऐसे सवाल अपन फ्लूड में भी करते थे इस टाइप के, तो बस सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये E नॉट L तो बाहर आ जाएगा, और वन का अच्छा लिमिट जीरो से लेके L तक, बस इसका सॉल्व कर लो, वन प्लस एक्स बाई एल कितना बन रहा है, 3/2, यही बन रहा है क्या, देखो 3/2 E नॉट L स्क्वायर, देखो तो यही बन रहा है ये,